आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 7 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार के एक निर्णय को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोला है। लगभग 2 साल पहले किस कांड को लेकर सुर्खियों में आए विवादित डॉक्टर राजू निदारिया एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उनके चर्चाओं में होने की वजह उन्हें मिलने वाली पदोन्नति है। स्वास्थ्य विभाग ने किस कांड के विवादित डॉक्टर राजू निदारिया को शाजापुर का CHMO CMHO बना दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर निशाना साधा है। डॉक्टर निदारिया को शाजापुर का CMHO बनाए जाने को लेकर अरुण यादव ने ट्वीट कर भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। अरुण यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने अश्लील वीडियो कांड 2019 में फंसे उज्जैन के सिविल सर्जन डॉक्टर राजू निदारिया को सस्पेंड कर दिया था, मगर प्रभु कृपा संभवतः मंत्री प्रभुराम चौधरी से उन्हें अब शाजापुर CMHO बना दिया गया, वो भी सीनियर CMHO डॉक्टर फुलंबीकर के रिटायर होने से 2 महीने पहले। शिवराज सिंह जी, आजकल आप कौन से फॉर्म में हैं? प्रभु कहीं बेड़ा गर्क न कर दें। राजधानी भोपाल में बीते 5 दिनों से लगातार तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। 8 जनवरी से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल छाने लगेंगे। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी होगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ कहीं कहीं बारिश भी होगी। इस सिस्टम के असर से और हवाओं का रुख दक्षिणी बना रहने से वातावरण में एक बार फिर से नमी बढ़ने लगेगी। 2 दिन के अंदर एक बार फिर बादल छाने लगेंगे और होशंगाबाद जबलपुर भोपाल संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शनिवार को भी निमाड़ मालवा क्षेत्र के अलावा भोपाल होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अस्पताल के सर्जरी विभाग में पदस्थ 44 वर्षीय चिकित्सक विनोद कुमार विश्वकर्मा ने गुरुवार दोपहर धन्वंतरी नगर मकान में सर्जिकल ब्लेड से खुद का गला काटकर आत्महत्या कर ली है। उनका शव शौचालय का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर विनोद की पत्नी ममता विश्वकर्मा केंद्रीय जेल में डॉक्टर पद पर पदस्थ है। ड्यूटी के बाद वह घर पहुंची तो डॉक्टर विनोद घर में नहीं मिले। उनकी नजर भीतर से बंद शौचालय पर पड़ी, तब उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन शौचालय के भीतर से आवाज नहीं आई। उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़ा, तब वहां डॉक्टर विश्वकर्मा का शव शौचालय में पड़ा था, जिसके बाद FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। FSL टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों से चाय पर चर्चा प्रारंभ की। जन कल्याणकारी योजनाओं की गति को तेज करने में इस एक्सरसाइज से सहयोग मिलेगा। जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय और उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में संवाद की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 जनवरी को सीहोर जिले के कोलार बांध विश्राम गृह में मंत्रियों से हुई दिन भर की चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया था कि वे प्रतिदिन मंत्रियों से इस तरह की चर्चा करेंगे। इस भेंट और चर्चा के पश्चात मंत्रीगण मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जनहितकारी कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय स्तर पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मंत्री योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक गतिशील होकर कार्य करेंगे। प्रदेश में अफ्रीकी चीता बसाने की योजना परवान चढ़ती नजर आ रही है। 23 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2020 तक प्रदेश के दौरे पर रही सेंट्रल एम्पोवर्ट कमेटी की सब कमेटी ने कूनो पालपुर के बाद चीतों के लिए सबसे मुफीद जगह मालवांचल के गांधी सागर अभ्यारण्य को माना है। वहीं राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में भी संभावनाएं बताई हैं। कमेटी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि सभी क्षेत्रों में कुछ काम होने हैं जिन पर राशि खर्च होगी। राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हो तो सहमति लेकर बताएं, ताकि चयनित क्षेत्रों में ही चीता बसाने के प्रयास जारी रखे जा सके।
भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वाईवी झाला के नेतृत्व में आई सब कमेटी ने 11 दिन में मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो पालपुर मंदसौर नीमच जिलों में फैले गांधी सागर अभयारण्य, शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क, सागर जिले के नौरा देही अभयारण्य के साथ राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स और शेरगढ़ अभयारण्य का दौरा किया था। इनमें से चीता को बसाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं कूनो पालपुर और गांधी सागर अभयारण्य में ही दिखी। कमेटी ने मुकुंदरा हिल्स को भी उपयुक्त माना क्योंकि वहां चीतों की सुरक्षा के लिए बाड़ा है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि बाड़े का उपयोग अफ्रीका से चीते लाकर पहले यहां रखने के लिए भी किया जा सकता है। कमेटी ने कहा कि सभी संरक्षित क्षेत्रों में कुछ ना कुछ काम होने हैं, कहीं चैनलिंग फेंसिंग होना है तो कहीं चीतों के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके लिए इन क्षेत्रों में शाकाहारी वन्य प्राणियों की शिफ्टिंग और पानी का इंतजाम करना होगा। कुछ जगह घास के जंगल तैयार करने पड़ेंगे। इन सब में कूनो पालपुर ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम खर्च है। कृषि कानून के खिलाफ और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को किसानों की अगुवाई में राजभवन का घेराव किया जाएगा। कमलनाथ ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। कृषि कानूनों की बुनियाद ही कमजोर है। इस कानून का केवल हम ही नहीं कर रहे बल्कि एनडीए के घटक दल भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह एमएसपी खत्म करने वाला कानून है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। डच की 70% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है, बावजूद इसके प्रदेश में 20% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। इससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित होंगे। कांग्रेस के आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है जिसमें 15 जनवरी को प्रदेश में दोपहर 12 से 2 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन होगा। 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन किया जाएगा एवं 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव किया जाएगा। वहीं कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे। इसे लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पद का कुछ नहीं कह सकता लेकिन मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। जब कमलनाथ ने यह बताया उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और अरुण यादव भी मौजूद रहे लेकिन तीनों नेताओं में से किसी ने कुछ नहीं बोला। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सतत निगरानी में प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। डॉक्टर चौधरी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय ड्राई रन तैयारियों संबंधित आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए तैयार कोविड प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के लिए एक वैक्सीनेशन के पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने भोपाल में 2 जनवरी के सफल आयोजन के बाद अब 8 जनवरी को प्रदेश के शेष सभी 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 स्थानों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में कोल्ड चेन स्टोर तैयार किया गया है। पहले इन स्टोर में स्वीकृत वैक्सीन का भंडारण होगा। यहां से वैक्सीन को संभाग से जिलों और जिलों से पीएससी में बनाए गए कोल्ड चेन स्टोर में भेजा जाएगा। यहां से वैक्सीन सीधे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाई जाएगी जहां पर पहले से रजिस्टर्ड व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा। प्रदेश में ऐसे हेल्थ वर्कर की संख्या 4,00,000 है। इनको कोविड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया गया है। अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को पशुपालन, वन स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय
और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर किसी इमरजेंसी से निपटने की पूर्ण तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कंसोर्टिया ने भारत शासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी जिलों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन शुरू कर दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पशु चिकित्सा विभाग के जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ ही पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सैंपल एकत्र और डिस्पोजल के समय विभागीय अमला अनिवार्य रूप से पीपीई किट पहने। जिलों में पदस्थ पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक प्रतिदिन संचालनालय पशुपालन भोपाल को निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करेंगे। मुर्गियों, कौओं और प्रवासी पक्षियों आदि की असामान्य मृत्यु, बीमारी की सूचना मिलते ही उस स्थान को तुरंत सैनिटाइज कराएं। कलेक्टर से कहा गया है कि कुक्कुट पालक और जन सामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव की जानकारी अभियान चलाकर दें। पशुपालन विभाग और अन्य समन्वयक विभाग जिले में संपूर्ण सतर्कता और सावधानी सुनिश्चित करें। जिले में भ्रमण के दौरान पक्षियों की बीमारी और मृत्यु की जानकारी पर तुरंत कार्यवाही करते हुए भोपाल जानकारी भेजें। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 7 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 8 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूंकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।